स्वर स्वामी ऑफिशियल और स्वर स्वामी दो इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूं। आज का विषय थोड़ा हटके है और अलग ले रहा हूं, इसलिए क्योंकि देखो इसके पहले मैंने आपके लिए 3 में 6 इसकी श्रृंखला आपके लिए दिया था। अब उसके अंदर 3 में 6 जो चल रहा है उसी के साथ में उसके अंदर नया कुछ और चाहिए, इस हिसाब से 6 टुकड़ा उसका होने के बाद में मैं कुछ जो सीखे हुए लोग हैं उनके लिए एक एपिसोड बना रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक सीरियल मैंने चलाया और उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों को उसका जो कुछ इफेक्ट मिलना था वो तो मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोग जो होते हैं कि जिसमें नए लोग जो सीखने वाले होते हैं उनके लिए तो वो ठीक था, पर जो सीखे हुए हैं उनके लिए कुछ अलग, उनके दिमाग में जो कुछ अलग भरा पड़ा हुआ था। देखो कितने तो भी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मालकों सुराग अगर हम आज लेते हैं, हम लोग मालकों सुराग जो अगर लेते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों की एक सोच है। जैसे हमारे गुरुजी ने ट्रेडिशनल हमको मालकों जो सिखाया होगा और जिस लोगों ने, जिन भी लोगों ने मालकों सुना होगा, जनरल लोगों ने, तो वो मालकों सुराग जो होता है उनको ऐसा लगता है कि बस ये ट्यून उनके दिमाग में बैठ जाती है और किसी ने बोल देना उनको कि ये मालकों से, तो उनको यही दिमाग में आता है कि बस मालकों से ऐसा ही है। पर मित्रों ऐसा नहीं है, एक राग की कई सारे बंदिशें होती है और जितने भी बंदिशें अलग अलग स्टाइल से मालकों से, कभी नीचे से मतलब आरोह से भी मालकों से उठ सकता है, कभी अवरोह से भी मालकों से आ सकता है, कभी ऊपर से नीचे आएगा, कभी नीचे से ऊपर जाएगा, कभी बीच में से इधर उधर जाएगा। तो मालकों के सुर क्या है और वो सुरों को अपने अपने अंदाज से, अपने दिमाग से एक कलाकार जो ऐसा पेश करता है तो हर तरीके से मालकों सामने आ सकता है। पर गलती ये होती है कि एक ट्रेडिशनल बंदी जो फेमस होती है उसी को हम चलाते हैं और दिमाग में बैठा लेते हैं कि हाँ यही मालकों से। यानी एक आध व्यक्ति अगर बाल इधर से इधर बना ले तो वो व्यक्ति वो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कभी इधर से भी बाल बना लेगा,
चेहरे में थोड़ा फर्क आएगा, व्यक्ति वही रहेगा, कभी पीछे लेगा कभी बीच में से निकालेगा, तो व्यक्ति एक ही होता है, मतलब राग एक ही होता है, उसको पेश करने के तरीके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि बस एक ट्यून बनी तो वही मालकोस है और दूसरी ट्यून से अगर वो सुर आए तो मालकोस नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपके सामने मालकोस ये जो राग है इसकी पहले थोड़ी जानकारी दे दूं मैं, ये स्वतंत्र व्यक्तिमत्व का राग है कि उसका एक धीर गंभीर स्वभाव है, ये भक्ति रस और शांतपूर्ण राग है मालकोस। अब जबकि मालकोस में जाति तो औड़ो दे दिए, ऋषभ वर्ज है पंचम वर्ज है, पांच सुर का औड़ो जाति का राग है, लेकिन इतना बड़ा कैनवास है कि मालकोस चाहे 10 घंटे भी बोलते रहो तो मालकोस ऐसा खिलता रहेगा, उसके अंदर एक बात बनी हुई है पहले से, क्योंकि कुछ कुछ राग होते हैं ना अपने आप में सुंदर होते हैं, और जो अपना अपने आप में सुंदर होते हैं उनको सुंदर करने की और जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें से मालकोस एक राग है। इसमें गंधार कोमल, धैवत कोमल, निषाद कोमल, ये तीन सुर कोमल है, सागा माध निशा सा नि ध म ग म ग सा, इसका ये चलन है, आरोह में सा ग म ध नि सा और आरोह सा नि ध म ग सा या फिर ग म ग सा, इस तरीके से लेते हैं। चलन जो होते हैं धन्य सा ग म म ग सा। अब इसका थाट वैसे तो गाधनी कोमल वाला थाट उपलब्ध होने के बावजूद भी इस राग को भैरवी थाट के अंतर्गत रखा गया है। इसका कारण क्या हो सकता है? आप लोग कभी सोचे हो कि गाधनी कोमल वाला थाट तो है, असावरी थाट है, फिर मालकोस भैरव में क्यों है? क्यों? इसका एक कारण है कि भैरवी जो चलती है, भैरवी का अंतर आप देखोगे तो मालकोस अंग से होता है। तो मालकोस और भैरव में फर्क इतना ही है कि इसका ऋषभ कोमल हो गया और पंचम इसमें दोनों ऐड करके भैरव हो जाएगी। अब ये राग का चलन रात को 12 बजे जो है इसका गान समय है, और अंतिम समय में या फिर ऐसा बोलिए रात के 7 से 1, 7 से 10, 10 से 1, रात का द्वितीय प्रहर में, दिन का छठवां प्रहर, मतलब अगर अष्ट प्रहर गिनते हैं तो छठवें प्रहर में इसका हिसाब होता है गाने का, क्योंकि 7 से 10 पहला, 10 से 1 दूसरा, 1 से 4 तीसरा, 4 से 7 चौथा, 7 से 10 पांचवा, 10 से 1 छठवा, 1 से 4 सातवा, और फिर 4 से 7 आठवा, ऐसे 8 प्रहर गिने, इसमें से ये छठवें प्रहर में आता है। 24 घंटे में से जो छठवां प्रहर है उसमें मालकोस का गाने का प्रघात है। अब देखिए वादी स्वर इसका मध्यम है, समाधि स्वर षट्ज है, जाति औड़ो औड़ो, थाट भैरवी, गान समय रात्रि 12 बजे के दरमियान, यानी छठवां प्रहर रात्रि का दूसरा प्रहर और दिन का मतलब 24 घंटे का छठवां प्रहर, इस हिसाब से उसको जानकारी में रखिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें ऋषभ और पंचम ये दोनों स्वर वर्जित है। जोड़ी चलती है साम की, देखिए मालकोस की है।
ऐसी मालकोश की कई सारी बंदिशें हैं जो अलग अलग सुर से उठती है। कोई सा ग म ध म ग सा ग म ग सा नि सा ध नि सा ग म ना ना नो ये दो से दो ये गा रे दे। फिर दूसरी बंदिश ग म ग सा नि सा ध नि ध ग म ग सा नि सा ग सा ध नि ध इसमें भी उठ सकती है। फिर ग म ध नि ने सा ग म ध नि सा ध नि ध सा ने द म ग ने द म ग म ने द म ग सा। कोई बंदी सा ग म ध इधर से लगी, कोई बंदी सा ने द म ऐसी पे गई, कोई बंदिश ग म ग ने द म ने द म ध ग म सा म ग ऐसी भी आएगी। जिस कलाकार का दिमाग जिस तरीके से दौड़ेगा उस तरीके से बंदिश का नियोजन प्रयोजन हो सकता है। तो किसी एक बंदिश को लेके ऐसा नहीं, अभी मैं आपके सामने अलग अलग मालकोश की जो नई नई बंदिश है, कोई ऊपर से कोई नीचे से कोई बीच से, ऐसी तीन चार बंदिशों की पहली लाइन बोलता हूँ। देखो मालकोश ये भी है मुख मोर मोर जात। ये जो बंदिश पहले सीखने वाली जो साधारण पहली परीक्षा दूसरी परीक्षा तीसरी परीक्षा के जो लोग होते हैं जिनको मालकोश की सीधी सीधी बंदिश जो नवे मात्रा से उठेगी और बाकी सिंपल सिंपल बंदिश, तो उसमें पहली बंदिश बच्चों के लिए सिंपल बंदिश ये आती है मुग मोर मोर मुस गात जात अत छबेरे नार चलि पद संगात मुग मोर मोर मुस गात जात। ये एक मालकोश की बंदिश है। दूसरी एक दिल्ली घराने की बंदिश थी जो कि तजुर्बेकार जो गायक होते हैं उनके लिए बंदिश होती है। वैसी भी एक बंदिश ये भी है आज मोरे घर आई लबलमा आज मोरे घर आई लबलमा आज मोरे घर आई लबलमा करूंगे रंग सूर गरैया आज मोरे घर आई लबलमा आज। यही एक बंदिश है। तीसरी दिल्ली घराने की एक बंदिश है आए पी मोरे मदरबा मोरे सब दुखारी न जागे आए पी मोरे मदरबा। ये भी एक बंदिश है। चौथी एक बंदिश है चलो हडो पिया अब तुम नेड़े न गाओ चलो हडो अब तुम नेड़े न गाओ चलो हटो पिया अब तुम नेड़े न गाओ। और एक बंदिश है जो खास आपने बड़ी फेमस की है देत लगर मन नाही देत लगर मन नाही देत लगर मन नाही भर भर कहने का मतलब मेरा यह है कि अलग अलग तरीके से मालकोश जब सामने आता है तो हम लोगों ने उसकी बंदिश अलग अलग तरीके से सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। क्या होता है परंपरागत कॉपी में परंपरागत तरीके से लिखी हुई एक बंदिश होती है और हमारे लिए हमारा बाप भी वही पढ़ा, हम भी वही पढ़ेंगे और बच्चा भी वही पढ़ेगा, इस तरीके से वो ट्रेडिशनल बंदिश चलती आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राग का एक ही बंदिश अगर आपके लिए रखा है तो वही आपके दिमाग में, नहीं ये राग ऐसे ही है, दूसरे तरीके से आया तो वो राग वैसा नहीं है, ऐसा नहीं। यानी इधर से आपका घर आया तो ये आपका घर है और उधर से आप आए तो ये आपका घर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मालकोश के सुर मालकोश का चलन किसी भी तरीके से इस बंदिश में उठ सकता है। किसी किसी कलाकार को लग सकता है कि बंदिश में हमको
तान सप्तक में गाना है फिर नीचे उतरना है, तो ऐसे भी हो सकता है। देखिए एक बंदिश है कि नीचे उतरी है, ये भी एक बंदिश है, दूसरी है उसका उठा उधर से, तीसरी आज मोरे घर इसका एंड यहाँ पे। तो कोई ऊपर षड्ज में जाएगी, कोई मध्यम से आएगी, कोई नीचे सागा मध जाएगी, कोई फिर गमा गसा निशा ध पे आएगी, सभी तरीके से मालकंस उसको हम बोल सकते हैं क्योंकि उसके अलग अलग फ्लेवर होते हैं। और कहने का मतलब मेरा यह है कि विद्यार्थियों ने एक रात की चार चार पांच पांच बंदिशें इसलिए करना चाहिए क्योंकि कोई बंदिश आलाप युक्त होती है, कोई बंदिश तान युक्त होती है, कोई बंदिश लयकार युक्त होती है, कोई बंदिश शब्द प्रधान होती है, जिसके गले में जैसी और जिसके मतलब जिगर को मन को दिल को जैसी भी बंदिश सूट करती है उस तरीके से उसका चूजिंग करना चाहिए। उसके बाद में भाई गले में तान नहीं है और आप ठीक है कोशिश तो करते रहोगे पर गले में तान आज नहीं है और बंदिश गा रहे हो तो नहीं जमेगी, आजा मोरे घर आयला ऐसी नहीं चलेगी, आजा मोरे घर आयला भला मां, आजा मोरे घर आयला भला मां करूंगी रंग रंग रलिया, आजा मोरे घर आयला भला मां। तो कहने का मतलब मित्रों ये है कि हर राग में अपनी अपनी तरीके से अपने अपने स्टाइल से वो कलाकार बंदिश को खूब रंगाता है सजाता है। हम सब तरीके की बंदिशों को एक्सेप्ट करना और गाते आना सीखना चाहिए, इससे एक नया कुछ लोगों के सामने चीज तैयार हो सकती है और लोग नया नया फ्लेवर उसका उठा सकते हैं। यही मेरी कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कि किसी एक को पकड़ के वही वो राग है ऐसा समझना गलत है, उसके कई रंग हो सकते हैं जो आपने अपने अपने नजर से देखना है और उसका आनंद उठाना है। नमस्कार।